हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे ऑपरेशन पोलो के बारे में और ये जानेंगे कि किस तरीके से जो हैदराबाद है उसका इंडिया में विलय किया गया था और कैसे ये पूरा प्रोसेस किया गया था, निजाम कौन थे और कैसे क्या है, फिर हैदराबाद को क्या अलग से डिवाइड किया गया, सारी जो चीजें हैं उनके बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों के बारे में बताया जाएगा। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहे जिससे कि आपको सारी चीजें पता लग सके। तो बिगिनिंग फॉर वीकेंड में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑपरेशन पोलो की। तो जो ऑपरेशन पोलो है वो हैदराबाद के अगेंस्ट, दैट मीन्स की जो हैदराबाद का जो निजाम था जिनका के नाम मीर उस्मान अली खान था, उनके अगेंस्ट ये चलाया गया था, ठीक है ना, जिसके थ्रू क्या है जो हैदराबाद है उसका इंडिया के साथ विलय किया गया था। जो ऑपरेशन पोलो है वो बेसिकली क्या है, 5 दिन का ये एक मिलिट्री ट्रायल था जो चलाया गया था, जिसके माध्यम से क्या है जो हैदराबाद है उसको इंडिया के साथ मिलाया गया था। और ये 13 सितंबर 1948 से लेकर 17 सितंबर 1948 तक चला था और तब जाकर क्या है हैदराबाद के निजाम ने सरेंडर कर दिया था और क्या है इंडिया में हैदराबाद का विलय हो गया था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हैदराबाद के निजाम है उनका नाम था मीर उस्मान अली खान और उनके लिए कहा जाता है कि वो दुनिया के सबसे रिच इंसान थे। अराउंड 1937 में कहा जाता था कि वो क्या है दुनिया के सबसे ज्यादा अमीर व्यक्ति है, बट इसी के साथ ही कहा जाता था वो दुनिया के सबसे ज्यादा कंजूस व्यक्ति भी थे और वो बहुत कम ही ऐसी चीजें थी जो वो खर्च करते थे, दैट मीन्स कि अपने ऊपर भी वो चीजें खर्च नहीं करते थे। बात करें अगर हम हैदराबाद की, तो उस टाइम पीरियड पे हैदराबाद की पॉपुलेशन की बात करें, जब ऑपरेशन पोलो चलाया गया था तो वहां पर 80% जो आबादी है ना वो हिंदुओं की थी और 10% मुस्लिम्स की थी और बाकी अदर्स की थी। भाषा की बात की जाए तो वहां पे क्या 28% मराठी लोग थे, मराठी भाषा बोलने वाले, 22% कन्नड़ भाषा बोलने वाले, 50% तेलुगु भाषा और 21% उर्दू लैंग्वेज बोलने वाले वहां पे लोग रहते थे। अब वहां पे प्रॉब्लम ये आई कि जो हैदराबाद का निजाम थे ना उन्होंने क्या है हिंदुओं को वहां पे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा था, रेल ट्रेनों को लूटा जा रहा था, ठीक है ना, हिंदुओं को मारा जा रहा था, उनकी हत्या की जा रही थी, जिसकी वजह से क्या हिंदू लोग क्या है वहां से उस राज्य को छोड़कर, उस जगह को छोड़कर बाकी जगहों पर उन्होंने शिफ्ट होना शुरू कर दिया था। तो इसी वजह से क्या है हमारे इंडिया में क्या है उन हैदराबाद के निजाम के खिलाफ क्या एक मिलिट्री एक्शन चलाया गया था जिसका नाम रखा गया था ऑपरेशन पोलो। और ऑपरेशन पोलो ही क्यों रखा गया ना ये भी हम वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। तो अगर बात करें तो ऑपरेशन पोलो चलाया गया था जिसमें क्या जो हैदराबाद के निजाम है उन्होंने बाद में क्या इंडियन आर्म्ड फोर्स के सामने सरेंडर कर दिया था। अगर हम बात करें, देखिए सरेंडर तो उन्होंने कर दिया था 17 तारीख को, लेकिन जो फॉर्मली अगर हम कहें तो जो हैदराबाद है उसका इंडिया के साथ जो मर्जर हुआ था वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को और उसके बाद भी जो निजाम है उनको क्या राज्य प्रमुख बनाया गया था हैदराबाद स्टेट का हमारी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। बात करें तो ये जो पूरा जो ऑपरेशन है इसको इसके जो कर्ता धरता है ना वो कौन थे, हमारे इंडिया के जो कह सकते हो कि जो आर्किटेक्ट थे, दैट मीन्स कि हमारे इंडिया के फर्स्ट होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा क्या है ये पूरा जो मिशन है वो चलाया गया था, वही इसके मास्टरमाइंड कहे जाते हैं। क्योंकि दूसरी तरफ जो नेहरू जी थे वो और क्या है माउंटबेटन, ये दोनों चाहते थे शांतिपूर्ण तरीके से बात की जाए, बट उन्होंने कह दिया था कि जो ये जो मसला है ना ये हमारे इंडिया के लिए कैंसर की तरह काम करेगा अगर हमने इसको सॉल्व नहीं किया तो, इसी वजह से उन्होंने इसके लिए ये पूरा प्लान तैयार किया था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जब हमारा इंडिया हमारे को आजादी मिली थी तो उस टाइम पीरियड पे इंडिया में 565 रियासतें थी, दैट मींस कि हमारे जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो 565 थे, जिनमें से क्या है उनको ओपन चॉइस की गई थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा कि आपकी मर्जी है, आपको इंडिया के साथ जाना है इंडिया के साथ मिल जाइए, पाकिस्तान से मिलना है पाकिस्तान से मिल जाइए, अगर अलग आपको रहना है तो आप अलग भी अपनी सरकार बना सकते हैं। तो अधिकतर रियासतों ने क्या है इंडिया के साथ मिलना मंजूर कर लिया था और अपना जो एक तरीके से जो पत्र है उसको साइन कर लिया था, बट कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद तीन ऐसी रियासतें थी जो इंडिया में मिलना नहीं चाहती थी, अलग रहना चाहती थी। बट धीरे धीरे क्या है कश्मीर ने भी 26 अक्टूबर 1947 को इंडिया के साथ मिल गया था, उसके बाद 20 फरवरी 1948 को क्या है जूनागढ़ भी इंडिया में मिल गया था, और उसके बाद बात आती है हैदराबाद की, और हैदराबाद के जो निजाम है उन्होंने लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया था तो इस वजह से पूरा ऑपरेशन चलाया गया था। बात करें अगर हम हैदराबाद की तो उसके लिए पहले कुछ एक चीजें जान लेते हैं, जो हैदराबाद के जो निजाम है और जो हैदराबाद है, देखिए आज के टाइम का जो जो आपका पूरा जो मराठावाड़ा है ना, कर्नाटक के कुछ इलाके और तेलंगाना, ये पूरा हिस्सा मिलाकर बनता था हैदराबाद, जिसके कि निजाम कौन थे मीर उस्मान अली। हैदराबाद की बात की जाए तो उसका पूरा क्षेत्रफल था कितना 82,697 वर्ग मील तक वो फैला हुआ था। इसके अलावा हैदराबाद के पास अपनी खुद की सेना थी, एक तो प्राइवेट सेना थी जिसको हम रजाकार की सेना कहते थे, उनकी रेलवे सेवा,
सेवा, डाक सेवा, इसके अलावा क्या है उनके पास अपनी रेडियो टेक्नोलॉजी, एयरलाइंस वगैरह सारी चीजें उनके पास अपनी थी। इसके अलावा क्या है, हमारे देश की जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करने वाला सबसे बड़ा घराना कौन सा था, निजाम का अपना ये हैदराबाद का घराना था। इसके अलावा बात की जाए तो जो निजाम है उसकी शादी तुर्की के आखिरी जो खलीफा थे ना, कैलिफेट थे, उनकी बेटी से हुई थी। और इसके अलावा बात की जाए जो उन्होंने रजाकार की जो सेना बनाई थी उसमें अधिकतर जो बड़े बड़े पद थे उस पर मुसलमानों को रखा गया था जो प्रशासन संभालने के लिए, और सारे महत्वपूर्ण जो सेना के पद थे वो भी उन्हीं को दिए गए थे, ठीक है ना। इसके अलावा बात की जाए तो वहां पर जो रजाकार की जो सेना थी उसके जो प्रमुख थे उसका नाम था कासिम रिजवी, ठीक है। और वो उनका मकसद सबसे बड़ा ये था कि वो वहां पर क्या है, एक मुस्लिम, एक इस्लामिक राज्य बनाना चाहते थे जहां पे क्या है हिंदुओं को वो कोई भी वैल्यू नहीं देते थे, और जगह कई जगहों पर लूटपाट की जाती थी, हिंदुओं की हत्या की जाती थी, ठीक है ना। उनको जो महिलाएं थी उनके साथ बहुत ज्यादा दुर्व्यवहार किया जाता था, और इसी का एक फेमस नरसंहार है नोखलिया नरसंहार, जिसमें काफी सारे हिंदुओं की हत्या कर दी गई थी। देखिए इन सारी चीजों में क्या है, बहुत सारे देश ऐसे थे जो कहीं ना कहीं छुपकर जो हैदराबाद के जो निजाम है उसकी सहायता कर रहे थे, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी से उनको हथियार सप्लाई किए जाते थे ऐसा कहा जाता है, पाकिस्तान के द्वारा भी क्या है म्यांमार के रास्ते से उनको हथियार और पैसों की सहायता दी जाती थी। बट बाद में जब बात आती है ऑपरेशन पोलो की तो पाकिस्तान ने भी हाथ पीछे खींच लिए थे। इसके अलावा बात करें तो जो हैदराबाद है वो अपने आप में खाद्यान्न में, कॉटन में, तिलहन में, कोयले में, सीमेंट उत्पादन में, इन सब में बहुत ज्यादा आत्मनिर्भर था, उसका ज्यादा बहुत ज्यादा अच्छा एक कॉन्ट्रीब्यूशन था इन सारी चीजों में। इसके अलावा क्या है, निजाम का जो शहर है ना उसको मोतियों का शहर कहा जाता था के नाम से वो मशहूर था। और जो हैदराबाद है इसकी स्थापना क्या है 1591 में हुई थी, और किसने की थी, कुतुब शाही वंश के पांचवें शासक मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने की थी मूसी नदी के पास, ठीक है ना, वहां पे इन्होंने इसकी स्थापना की थी। और यहाँ पे जो निजाम शाही है, दैट मीन्स जो निजाम लोग हैं उनका शासन यहाँ पे शुरू हुआ था 1724 में। और क्या है, इसके आखिरी निजाम कौन रहे थे, मीर उस्मान अली रहे थे, जिनके खिलाफ क्या है ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। और ये क्या है 1911 में इन्होंने अपनी सत्ता संभाली थी और 1948 तक रहे थे। बात करें तो हालात खराब तब होते हैं बहुत ज्यादा जब नवंबर 1947 में क्या है भारत सरकार और निजाम के बीच में क्या है एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन होता है, जिसमें कहा जाता है हैदराबाद और भारत सरकार के दोनों के तरफ के जो प्रतिनिधि है दोनों की जगह पर रहेंगे, जिससे कि सारी चीजें नॉर्मल रहेंगी और विदेश नीति वगैरह पे वो इंटरफेयर यूनियन गवर्नमेंट करेगी, हैदराबाद के निजाम नहीं करेंगे। बट तब भी क्या है उन्होंने क्या है छुपकर अपनी गतिविधियां जारी रखी, हिंदुओं को परेशान करना जारी रखा, उनको प्रताड़ित किया। और इसी के साथ क्या है 22 मई 1948 को रजाकारों ने क्या गंगापुर स्टेशन में एक ट्रेन पे हमला कर दिया, जिसकी वजह से क्या है सरदार वल्लभ भाई पटेल का कहते ना एक तरीके से जो कहते ना सब्र का बांध जो है टूट जाता है। और उसी के बाद 26 जुलाई 1948 को भारत सरकार ने उनके खिलाफ एक श्वेत पत्र जारी किया था, और उसी के बाद शुरुआत होती है सरदार वल्लभ भाई पटेल की कोशिशों की। और उन्होंने सीधा ये बोला कि अब हमें एक्शन लेना पड़ेगा, और उसी के बाद क्या उन्होंने कई कोशिशें की थी उनके खिलाफ एक्शन लेने की, बट वो दो तीन बार नाकामयाब रहे थे। उसी के बाद उन्होंने तीसरी बार एक कोशिश की और ऑपरेशन पोलो लॉन्च किया। अब बात करते हैं ऑपरेशन पोलो की, तो जो ऑपरेशन पोलो है ना बेसिकली 5 दिन तक चला था, ये एक सैन्य कार्रवाई थी, इसको सैन्य कार्रवाई थी, लेकिन इसको सैन्य कार्रवाई का नाम नहीं दिया गया था, इसको क्या कहा गया था कि ये भारतीय सैन्य कार्रवाई नहीं है, इसको पुलिस कार्रवाई का नाम दिया गया था, क्योंकि अगर सैन्य कार्रवाई कहा जाता तो दूसरे देश हो सकता था इसमें इंटरफेयर कर सकते थे, तो इसी वजह से इसको पुलिस कार्रवाई का नाम दिया गया था। इसमें कहा जाता है 1373 रजाकार मारे गए थे, हैदराबाद स्टेट के क्या 807 जवान मारे गए थे, भारतीय सेना के भी 66 जवान मारे गए थे, 96 घायल हुए थे। 11 सितंबर 1948 को देखिए जो पाकिस्तान से जब इसने सहायता मांगी थी ना हैदराबाद के निजाम ने, तो वहां के जो संस्थापक हैं पाकिस्तान के मोहम्मद अली जिन्ना, तो उनकी जो मृत्यु है वो इस ऑपरेशन से 2 दिन पहले ही, दैट मीन 11 सितंबर 1948 को उनकी डेथ हो जाती है। और उसके बाद जो वहां के जो नए प्रधानमंत्री बनते हैं ना पाकिस्तान के, कौन बने थे पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री, लियाकत खान, वो चाहते तो थे इसकी सहायता करना लेकिन वो चाहकर भी नहीं कर पाए, क्योंकि वो खुद इतने क्या है ना तो मिलिट्रली स्ट्रांग थे और ना ही क्या है वो एयरक्राफ्ट के मामले में इतने स्ट्रांग थे, तो इस वजह से क्या है उन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया और उनकी क्या है युद्ध में सहायता वो नहीं कर पाए। और इसी के साथ 13 सितंबर को ऑपरेशन पोलो शुरू होता है और 17 सितंबर 1948 तक ये चलता है, जिसमें क्या है कि जो हैदराबाद के निजाम है उनके रजाकार सेना हार जाती है और हैदराबाद के निजाम को समर्पण करना पड़ जाता है, तो वो आत्मसमर्पण कर देते हैं। और इसी के साथ क्या है भारतीय मेजर जनरल ज्योतिनाथ चौधरी तथा मेजर जनरल सैयद अहमद एल एड्रोस के बीच में क्या है जो
आत्मसमर्पण समझौता है वो बेसिकली हो जाता है। अब जानते हैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट कि इसका नाम ऑपरेशन पोलो क्यों रखा गया। ऑपरेशन पोलो देखे रखने के पीछे सबसे बड़ा कारण था कि जो हैदराबाद है उस टाइम पीरियड पे वहां पे विश्व के सबसे ज्यादा पोलो के मैदान थे। पोलो एक स्पोर्ट्स आपको पता ही है ना, तो 17 मैदान वहां पर थे, इस वजह से इसका नाम ऑपरेशन पोलो रखा गया था। और इस युद्ध के लिए क्या है, जो हैदराबाद के निजाम है उन्होंने पाकिस्तान से सहायता मांगी बट उन्होंने मना कर दिया। यूरोप से हथियार मंगाने के लिए अपने जो आर्मी जनरल है उनको भेजा, उनको असफल होना पड़ा और उनको हथियार की सहायता वहां से नहीं मिली। अमेरिका से मदद मांगी और अमेरिका ने भी उनको मदद करने से मना कर दिया था। इसके अलावा उन्होंने कोशिश की थी हैदराबाद के निजी निजाम ने राष्ट्रमंडल सदस्य बनने की उनकी इच्छा थी बट जो इटली सरकार थी उन्होंने उनका जो प्रस्ताव है वो ठुकरा दिया था। ठीक है ना, तो ये चीजें थी। और इसी के साथ जब उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया तो कुछ एक बदलाव वहां पे फाइनल रिजल्ट्स देखने को मिले थे, जान लेते हैं वो क्या थे। जब उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया तो वहां पे क्या मेजर जनरल J.N. चौधरी हैदराबाद के सैन्य गवर्नर नियुक्त किए गए थे। 24 जनवरी 1949 को निजाम ने क्या है भारत का जो संविधान का उस जो था ना उसको मान लिया था। पहले क्या था, हैदराबाद का अपना अलग संविधान मानते थे निजाम, लेकिन बाद में उन्होंने जो भारतीय संविधान था उसी को मान्यता दे दी थी। 26 जनवरी 1950 को क्या हैदराबाद जो है वो भारत का हिस्सा बन गया था। और बेसिकली अगर हम बात करें प्रॉपरली तो वो जो 26 जनवरी 1950 है इसी के साथ क्या वहां पे M.K. वेलोडी राज्य के मुख्यमंत्री बने थे। देखिए वो मुख्यमंत्री बिना इलेक्शन के बनाए गए थे, ठीक है ना, बट बाद में चुनाव हुए थे। और निजाम को क्या है राज्य प्रमुख बनाया गया था। 1952 में जाकर क्या है जो हैदराबाद है वो वहां पर क्या है पहला विधानसभा चुनाव हुआ था और बी रामकृष्ण राव वहां के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री बने थे। देखिए ध्यान रखना, निर्वाचित दैट मीन्स की वोटर्स के थ्रू, वोट डालने के बाद, क्लियर। और 1956 में भाषा के आधार पर क्या हैदराबाद का डिवीजन किया जाता है, जैसे कि जो तेलंगाना वाला जो क्षेत्र था ना जहां पे जो तेलुगु भाषा बोलने वाले लोग थे उसको आंध्र प्रदेश में मिला दिया जाता है, अब तो अलग बन चुका है आपको पता ही है। मराठी भाषा बोलने वाले लोगों को महाराष्ट्र में मिला दिया गया था और कन्नड़ भाषा बोलने वाले लोगों को कर्नाटक में मिला दिया गया था। तो ये कुछ चीजें थी जो हमने ऑपरेशन पोलो के बारे में हमारे इस वीडियो में जानने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक स्टूडेंट।